या जय श्री राम। वाओ, इतना पुराना होने के बावजूद भी क्या शानदार सा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है ये सब जगह मेरे को। लस्सी लस्सी, मैंगो लस्सी, यू लाइक? अरे वाह, जस्ट लाइक कोनिचीवा। सो इन इंडिया, इन हिंदू वी से नमस्ते। ये जितना सोचा था मेरे को पहले, सच में लगा एक दो गली का रहेगा ये गांव, ये झुकू, लेकिन नहीं भाई, बहुत बड़ा है, बहुत गलियां और बहुत सारे घर है बाबा। Hey guys, good morning and welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. स्वागत करता हूँ एक नए दिन में जापान के, और आज के दिन में हम एक्सप्लोर करने वाले एक स्पेशल विलेज जापान का। जी हाँ, हमने सिटीज, हमने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली अर्बन सिटीज तो बहुत देख ली जापान में, अब बारी है विलेज का टूर करना, और वो भी स्पेशल विलेज, एंशियंट विलेज जो कि इडो पीरियड को दर्शाता है। जी हाँ, अब इडो पीरियड है क्या? तो हिस्ट्री ऑफ जापान में 1603 से 1867 तक, मतलब ये जो दौर था ना, उसमें इडो पीरियड चला था, जिसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए थे जापान में। अब वो चेंजेस वगैरह क्या है मैं बाद में डिटेल बताता हूँ, अभी अपन पहुंच जाते हैं टाइम सर रेलवे स्टेशन, क्योंकि 20-25 मिनट बाद हमारी ट्रेन है, और यू नो प्लेटफॉर्म वगैरह ढूंढने में टाइम लग जाएगा, 5 मिनट पहुंचने में लग जाएगा, तो अभी मैं बोलने बैठूंगा ना तो शायद ट्रेन मिस हो जाएगा। अपन पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन, उसके बाद करते ना बात, पूरी डिटेल दूंगा, डोंट वरी। हाँ, शाबाश, लगता है मैं इधर अकेला उतरा, कोई उतरा ही नहीं मेरे डब्बे से तो। अच्छा हाँ, वो सब डब्बे से उतर रहे हैं कुछ लोग। एनीवेज, ट्रेन जर्नी मजेदार थी, एकदम पूरा खुलमा था ट्रेन, अपन बोलते ना विस्टा डोम जैसा अपने इंडिया में, बस वैसा ही था। एनीवेज, ये हम पहुंच गए हैं नगीसो, एक घंटे की ट्रेन जर्नी थी, और बस यहाँ से अभी एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, बिकॉज यहाँ से एक 4-5 किलोमीटर दूर है सुमागो झुकू। अब बेसिकली सुमागो झुकू है क्या? झुकू मीन्स आप कह सकते हो विलेज, एंशियंट विलेज जापानीज भाषा में, एंशियंट घर वगैरह, यू नो कॉलोनीज। तो बेसिकली सुमागो झुकू बहुत फेमस है बिकॉज वो इडो पीरियड का है, जो कि मैंने आपको बताया था ना 1603 से 1867। अब आप बोलोगे इडो पीरियड है क्या, प्रतीक भाई कब से बोल रहे इडो पीरियड इडो पीरियड। तो बेसिकली इडो पीरियड ना बहुत ही स्पेशल रिवॉल्यूशनरी पीरियड था जापान में, जब यू नो काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे बदलाव आए, तो मेन फोकस था इकोनॉमिक ग्रोथ पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज पे, ओवरऑल कंट्री को कैसे आगे लेके जाना है, आइसोलेट कैसे करके रखना है जापान को, मतलब दुनिया में घुलना मिलना नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, भाई हम अलग से सब चीज़ करेंगे, वो सब की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण ग्रोथ उसने देखते गया, जापान ग्रोथ देखते गया और डेवलप कंट्री में अपना नाम शामिल कर दिया। हालांकि आज की तारीखों में कुछ सालों से जापान की इकोनॉमी थोड़ी सी नासाज है, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल भी डेवलप कंट्री है। एनीवेज, अगर ट्रेन जर्नी की बात करो या फिर रेलवे स्टेशन से बाहर आने की बात करो ना, बहुत ही शानदार सा इफेक्ट है। क्या दिख रहा है यार, ग्रीनरी है, पहाड़ है ना। इनफैक्ट ट्रेन से मैं देख रहा था ना, तो ओए होए, एक चीज़ मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी, और वो थी कि भाई हर जगह सोलर पैनल्स, बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए गए थे। आपको भी पता है कि सोलर पैनल्स लगाना कितना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो भी है, हर गाँव, जो मोहल्ले, जो यू नो कस्बे दिख रहे थे ना ट्रेन से, हर जगह सोलर पैनल्स थे। एनीवेज, अभी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है झुकू, सुमागो झुकू, जहाँ हमें जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या फिर ऐसा गाड़ी वाड़ी टैक्सी करना पड़ेगा? इट कॉस्ट 1,540 yen टू सुमागो झुकू। अच्छा, फिक्स रेट? नो 1,000? हाउ अबाउट 1,140 yen? ओके चलो,
शाबाश है तो महंगा भाई। अरे वाह, एक्चुअली बस की इंक्वायरी की थी, बस यही से छूटती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी बचे है 11:15, 11:10 बजे है अभी सुबह के, और नेक्स्ट बस है 12:40 की, मतलब डेढ़ घंटा मैं इधर रुक के करूँ क्या स्टेशन पे, जबकि मैं पहुंच के यू नो चल के पहुंच जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा टैक्सी लेता हूँ। यूरी, हाँ, सो यू यू राइड टैक्सी हाउ लॉन्ग, लाइक हाउ मेनी इयर्स? 1 year. ओह वेरी नाइस, यू लिव हियर नगीसो? ओके, वेरी नाइस प्लेस हाँ नगीसो, वेरी नाइस प्लेस। या ओ थैंक यू सो मच, अरिगातो। यहाँ नगीसो स्टेशन से चुमा को चुकू हर 2-2 घंटे में बसी से, मतलब अगर एक बस छूट गई तो 2 घंटा वेट करो, और बस का किराया सिर्फ 300 yen, जो कि काफी सस्ता है। अरिगातो, अरिगातो, ओके, नो नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू, अरिगातो। So finally, one of my most favorite things to do whenever I go to different countries is village visit, ancient village visit. और आज के दिन में हम वही कर रहे, तो दिल खुश हो गया, फाइनली पहुंच गया सुमागो झुकू, जो कि आप देख लो कितना mesmerizing है, ऐसा लग रहा फेरी टेल वाला इफेक्ट आ रहा है ना, देख लो, मतलब फ्लावर ओवर नहीं बोल रहा हूँ भाई, सच कह रहा हूँ, आप देख लो मेरे सामने जैसे कि वाओ, इतना पुराना होने के बावजूद भी क्या शानदार सा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है ये सब जगह मेरे को। 1-2 घंटा इधर ही ऐसे बिता दूँ पता भी नहीं चले मेरे को। उस तरफ देखो छोटे से पॉन्ड में फिशेस भी है, इनफैक्ट देखो यहाँ से पानी आ रहा है, ये पेड़ की स्टेम आप बोल सकते हो, वहाँ से ऐसा पानी होकर उस तरफ जा रहा है, वाओ। ये ऐसी छोटी छोटी गलियां कितनी प्यारी लग रही है यार, हालांकि टैक्सी के थोड़े ज्यादा पे करने पड़े, लेकिन ये एक अच्छी बात लगी कि एंट्री फी यहाँ पे कोई नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे विलेजेस में ना एंट्री फी होती है, जैसे कि मेरे को याद है पेंगलीपुरा में गया था बाली में, वहां पे मैंने एंट्री फी भरी थी 500 rupees के आसपास पर पर्सन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरफ एक घर है जिसमें आप एंटर कर सकते हो, इसकी भी कोई एंट्री फी वगैरह नहीं है, और चीज़ें आप देख सकते हो, हालांकि सारी चीज़ें जापनीज में लिखी है, लेकिन समझ ही सकते हो कि क्या है ये सीन, जैसे कि ये यहाँ पे एंट्री में किचन हुआ करता था, क्योंकि मेरे को याद है जब मैं नारा में गया था वहाँ पे डे ट्रिप करी थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि बाहर की तरफ ही लोग किचन रखते ताकि के पूरी गर्मी पूरे घर में जाए ठंड के माहौल के टाइम, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ किचन होता था, और ये टाटामी बोलते हैं, जो नीचे आप मैट देख रहे हो ना इसको टाटामी बोलते हैं, और इस हिसाब से ये घर बनाते, यानी कि 4 टाटामी वाला घर या फिर 8 टाटामी का घर और मैक्सिमम 12 टाटामी का घर। ये कुछ मशीन है ग्रेन पीसने की होगी, हाँ कुछ तो पिसाएगी मशीन लग रही है, क्योंकि मोटर वोटर है ना, हैंड मोटर वगैरह उस हिसाब से। इस तरफ भी है, ये देखो चक्की, अरे वाह वाह, इधर भी ऐसी चक्की होती थी क्या जापान में? ये सब फावड़े वगैरह जो खेत में काम आते हैं ना, उस हिसाब से सब चीज़ें है। वाह 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 वाह, बहुत सारी चीज़ें देखने मिल रही है इधर, तो घर के अंदर भी जाने मिल रहा है ऐसा सब, देखो ना रॉक और यू नो अंदर वो गुफा उफा की जैसे चीज़ें है वो जाने मिल रहा है, पूरे एडो पीरियड के मोहल्ले देखने मिल रहे हैं। ये क्या उग रहा है भाई, ऐसा तोड़ वोड़ सकते हैं क्या? छोड़ो जाने दो। वहाँ पे कुछ सोविनियर्स मिल जाएंगे, जैसे कि छाता है, स्कार्फ है, टोपी है, मास्क है, टी शर्ट है, कपड़ा है, बहुत कुछ है। मतलब यहाँ पे जापानीज़ लोग ट्रेडिशनल हाउसेस में कुछ ना कुछ बाहर ऐसे लगाते हैं, मेरे को इसका और इसका तो नहीं पता, लेकिन इसका जरूर पता है, ये वाइट कपड़ा लगाते हैं डॉल बना के छोटा सा, ताकि के बारिश अगर आ रही है तो वो रुक जाए, बारिश चली जाए आए ना, बिकॉज जापानीज़ डोंट लाइक बारिश, उनको रेनी सीजन जरा भी नहीं पसंद, इसके कारण ऐसा डॉल बना देते और खिड़की के बाहर या फिर दरवाजे के बाहर लगा देते। ऐसा नहीं कि ये ट्रेडिशनल हाउसेज के बाहर ही लगाते, टोक्यो के हाई राइज बिल्डिंग में भी आज भी प्रैक्टिस होता है ये चीज़।
कुछ भी बोलो, इतने पुराने सबके घर है, लेकिन जो प्रिजर्व करके रखा है ना, नेक्स्ट लेवल है, सच कह रहा हूँ। स्पेशली जो क्लीनलीनेस, जो बनावट है, पता छोटे छोटे पत्थर क्यों रखते हैं ये लोग स्टार्टिंग में, एंट्री में, ताकि कि अगर रात को चोर वगैरह कोई एंटर हो तो पैरों से पत्थरों की आवाज आ जाए उनको। कोनिचीवा, व्हाट्स योर नेम? सयाको लिस। सयाको, यू फ्रॉम विच सिटी? नॉर्थ, नॉर्थ, सपोरो, सपोरो हक। अंडरस्टूड। आई एम फ्रॉम इंडिया। यू नो एनीथिंग अबाउट इंडिया? रेस्टोरेंट, देयर आर मेनी इंडियन इन योर सपोरो साइड, मेनी इंडियन रेस्टोरेंट, सो यू नो डिशेज नेम? नान, करी। नान यू नो, करी यू नो, लस्सी, लस्सी, मैंगो लस्सी यू लाइक? अरे वाह, इस तरफ क्या है भाई? कुछ तो लिखा है यहाँ पे, मासुगाता राइट एंगल एनक्लोज स्ट्रीट, इट वॉज बिल्ड इन ऑर्डर टू स्लो डाउन इन्वेशन ऑफ द एनिमीज एज मच एज पॉसिबल व्हेन लेयासु तोकुगावा एस्टैब्लिश्ड दिस पोस्ट टाउन इन 1601। अच्छा, 1601 में बनाया गया था, 1603 में मैंने जैसे कि कहा था इडो पीरियड स्टार्ट हो गया था, और ये मेन रूट था वन ऑफ द टू गो टू यू नो फ्रॉम क्योतो टू टोक्यो, बिकॉज पहले कैपिटल क्योतो था ना, फिर टोक्यो बनाया है। ये आप देख रहे हो, लकड़े के साथ साथ अंदर काफ़ी चीज़ों से बनाया गया है, जैसे कि भूसा हो गया, मे बी काव डंग या हॉर्स डंग यूज़ किया रहेगा, अपने को ऐसे आइडिया नहीं आएगा। वो जो गाँव में रहते हैं ना, आपन क्या है, अभी वो पुलाव बन गए, शहर वाले पुलाव बन गए, गाँव के एकदम पक्के वाले। इस गांव में पुलिसमैन, पेट्रोल पॉइंट, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भीड़ मिलेगी नहीं। इसका कारण ये है कि यहाँ की आबादी ज़रा भी नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ स्टोर्स खुली हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए स्टोर्स खुली हुई है, बाकी यहाँ रहते कोई नहीं है, सिर्फ यू नो आजू बाजू के शहरों में रहते हैं और फिर कभी कभी आ जाते हैं छुट्टियाँ मनाने। यहाँ पर इस तरफ एक मंदिर भी है, जो कि अगर मैं अंदर देखूँ तो कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं ना अंदर, वो दर्शा तो रही है कि एक मंदिर है। लेकिन एक रॉक है बड़ा सा, उसमें कार्विंग्स मेरे को दिख रही है। ये जितना सोचा था मेरे को पहले, सच में लगा एक दो गली का रहेगा ये गांव, ये झुकू, लेकिन नहीं भाई, बहुत बड़ा है, बहुत गलियां और बहुत सारे घर है। बाबा डरावनी लग रही है ना, ओ माय गॉड्स, बारिश शुरू हो गई है। अरे ये सब घरों के बाहर वो लगाया नहीं ना व्हाइट कलर का डॉल बना के, शह, व्हाट इज द नेम? नोनी, 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 अरे सच में पीछे आ रहे मेरे, अरे आई एम फ्रॉम इंडिया, हिंदू रिलीजन, हाँ यस करेक्ट, देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन्स, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, बुद्धिज्म, या जय श्री राम, नमस्ते, नमस्ते, इन इंडिया वी से नमस्ते, नमस्ते, जस्ट लाइक कोनिचीवा, सो इन इंडिया, इन हिंदू वी से नमस्ते, नमस्ते, ओके, अरिगातो, बाय बाय, हैव अ नाइस ट्रिप। ये देखो मैं इसके इधर आया तो मस्त बारिश बंद हो गई है ना, सही टोटका है ये तो, वाह क्या टोटका है, मैं भी ऐसा करूँगा मुंबई में, ट्राई करूँगा, सब बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे मेरे को, मेरा जादू आएगा। यहाँ पर ऐसे सब बनाए हुए छोटे छोटे, जो दिखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं, लेकिन ऐसे मॉस्किटो वॉस्किटो का भी डर रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो ऐसा काट वाट ना दे, हालांकि देखो बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आपको दिखेगी, ओए होए होए। फिल्म इंडस्ट्री से और टीवी सीरियल से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में, अब जो आप में से इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करते हो उनको पता ही है ये चीज़ है ना, रील्स और स्टोरीज डालते रहता हूँ, मतलब डाल चुका हूँ पहले। एनीवेज जब ये वीडियो देखेगा ना वो, तो सच में मानेंगे कि ये लोकेशन बहुत सही है यार, बहुत कूल है फॉर शूटिंग, शूटिंग के लिए कितनी शानदार और प्यारी लोकेशन है ये। अब देखो नीचे से मस्त बादल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ना ये देखो एक चीज़ मेरे को अजीब लगी, अब ये आंसर मेरे को आप कमेंट में दे सकते हो कि क्या हो सकता है, मतलब प्लांट तो दिख रहा है मेरे को किसी चीज़ का जिसमें कुछ तो उग रहा है ना, दिखा येलो, ग्रीन और रेड, तीन चीज़ें उग रही है, हालांकि लास्ट में वो रेड ही होना है, लेकिन अगल बगल में ना प्लास्टिक या फिर फुट्टे से रिलेटेड बहुत कचरा भी रखा गया है। अब ये कचरा क्यों रखा गया है, प्लांट के लिए या फिर हो सकता है कि बारिश का माहौल है, मतलब कभी भी बारिश होती है ताकि कि वो बहे ना, आई मीन बहके ना जाए और कचरा पॉल्यूशन ना फैलाए, जिसकी वजह से ऐसे ही रखा हो यू नो प्रोटेक्शन में, प्लास्टिक कवर में, अब वो मेरे को नहीं पता भाई, जो भी हो सकता है। फिलहाल इस तरफ भी और भी प्लांट्स है, आप देख सकते हो, वाह क्या बात है। कुछ कुछ चीज़ें तो मेरे को पता नहीं किस चीज़ का है, किसी लोकल से पूछूंगा तो ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई लोकल है ही नहीं, मतलब कोई दिख ही नहीं रहा है, बाबा किससे पूछूँ ना।
मस्त है यार ये चीज़। अब ये चेरी वेरी है पता नहीं क्या है, आई मीन ये देखो सड़ भी रहा है। इनफैक्ट वास्तव में इधर कोई लोकल वोकल है नहीं क्योंकि सड़ भी रहा है, कोई तोड़ने वाला भी नहीं है इधर, देख लो है ना। ओहो बैंगन, यहाँ पे बैंगन उग रही है भैया। ये जो सुमांगो जुकू या फिर नगीसो जो कह लो, ये नागाओ प्रोविंस में आता है। नागोया जहाँ पे हम रुके वो अलग प्रोविंस है, ये परफेक्चर या प्रोविंस जो मर्जी कह लो, डिस्ट्रिक्ट कह लो, ये नागाओ प्रोविंस में आता है। इसके बगल में गिफू प्रोविंस। तो ये जो गिफू है, नागाओ है, ये पहाड़ी इलाके के लिए, ग्रीनरी के लिए, ऐसे सब एंशियंट चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। एक से एक झुकू आपको दिखेंगे, जैसे कि ये जो है ना झुकू, एक और इसके आगे मतलब एक घंटा दूरी लगाएगा ट्रेन वगैरह में, तो एक नराई झुकू करके है, वो भी बहुत फेमस है। गिफू साइड जाओगे तो किसो आएगा, किसो तो इसी साइड है, गिफू साइड जाओगे तो एच से कुछ आएगा, हीड़ा वैली, हाँ हीड़ा वैली आएगा। फिर आगे तोयमा है, तोयमा में हम कल जाएंगे क्योंकि तोयमा में है ताकाओका, ताकाओका है डोरेमोन का घर, तो हम वो कवर करेंगे। फिर बस यही सब चीज़ें है। यहाँ पर मैं एक कैफ़े में आया हूँ, नीचे की तरफ था ये कैफ़े, मतलब आप कह सकते हो सीढ़िया से उतर कर आया हूँ, और देख लो क्या मस्त चीज़ है नीचे। रेडियो है कि क्या है सिग्नल्स के लिए, आई डोंट नो, फोन्स है, अच्छा फोन्स भी है, रेडियोज भी है, वॉकी टॉकी जैसा कुछ, आई डोंट नो, बट मस्त लग रहा है कलेक्शन ये है ना। और इनफैक्ट ये भी देख लो कितनी क्यूट लग रही है। अरे वाह यहाँ पे छोटा सा रूले भी है, कैसा होता है ये भाई, खराब है, अच्छा ऐसा खेल सकते है। ये मैं चूज करता हूँ 24, अभी देखते है किस पे आता है। 24 क्या आया, 31। ऑल राइट गाइज, ये मैं आ चुका हूँ वापस बस स्टॉप की तरफ, ताकि कि यहाँ से 15 मिनट बाद वाली जो बस है वो पकड़ के निकल जाओ नगीसो स्टेशन, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के निकल जाओ बैक टू नागोया, वही फर्स्ट क्लास में बैठ के। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने एक बेहतरीन सा ईडो पीरियड का विलेज टूर किया जापान का, एंशियंट घरें देखे, एंशियंट विलेजेस देखे, बहुत ही बेहतरीन सा लगा, बारिश के अनुभव किए, पहाड़ के अनुभव किए, ग्रीनरी के अनुभव किए, बहुत कुछ अनुभव किए है ना। यू ही बने रहिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। आने वाले जापान के वीडियोज और इंटरेस्टिंग मिलेंगे, वैसे इंटरेस्टिंग तो ये भी वीडियो लगा होगा है ना, तो लाइक मार के जरूर जाना। ये रहा मेरे सामने बस स्टॉप, जहाँ पे नगीसो स्टेशन की सारी टाइमिंग्स है। अरे रुको रुको सबर करो, अभी मत जाओ, एक और इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को मेन लगी, वॉशरूम्स गांव में नहीं है तो यहाँ पे आपको बस स्टॉप पे मिल जाएगा मेंस एंड वुमेंस दोनों के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगी इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंने सोचा कि अंत में दे दूँ।